को मजबूत करूं और संगठन को मजबूत करना मुझे अपने लिए कोई फायदे की बात नहीं है, लेकिन दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया छोड़िए जब लग घटना। इन किसानों की हालत देख देख कर दया आती है कि आज से 75 साल लगभग पहले जो भी है सहयोग दें और किसान की आवाज सुनिए। धन्यवाद। शुरू करें कमीशन लेने के लिए वो आजाद हुए, सड़कों का पैसा आधा खाने के लिए वो भांति भांति से इस भारत के पैसे को अपनी जेब में डालने के लिए आजाद हो गए, यहाँ के खाते भरे और फिर स्विट्जरलैंड की बैंकों के खाते भर दिए। लेकिन इस किसान को अपनी कमाई का अपनी मेहनत रुपए के पानी के हिसाब से सर्वेक्षण करवा के धान की कीमत दी जाए तब हम बचेंगे। सन 1947 सन 1967 में माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी ने गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश में करवाई थी 76 रुपया कुंटल, उस समय सरकारी टीचर को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी, आज उसकी तनख्वाह 70,000, तो हमारे गेहूं की तनख्वाह भी होनी चाहिए, गेहूं की कीमत होनी चाहिए 76,000, लेकिन नहीं है, 2,000 भी नहीं। स्वामीनाथन आयोग चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनके अपने स्वामीनाथन आयोग लागू करवाया था, कांग्रेस के शासन उन्होंने उस समय 3,000 रुपया कीमत रखी थी गेहूं की, आज तक लागू नहीं हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14वें प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों की हालत सुधार दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा। न काला आया न पीला आया, न स्वामीनाथन लागू हुआ, न किसान का कर्ज पटा। अब हमारी मांग है जो किसान की बात करेगा कोई देश पर राज करेगा। तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर पैर छूकर विनती करता हूं, किस देश के किसान मजदूर की जो आत्महत्या करने के लिए हर समय मजबूर रहता है, प्राण बचाओ, दया करो, दया करो। इन पे उद्योगपतियों के कर्जे माफ होते हैं, उद्योगपतियों का लोन नहीं पड़ता, उसके बाद भी कर्जा दिया जाता है, उद्योगपतियों को इतना बढ़ाया जाता है, और जो जिंदगी पैदा करता है, जो जीवन पैदा करता है, जिसको भगवान कहा।